नेक्स्ट थ्योरम है इफ ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, देन क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी। स्टेटमेंट में वो क्या कह रहे हैं, कहता है अगर किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के दो सबसेट हों ए और बी, अगर ए और बी कोई भी क्या हो दो सबसेट हो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के, देन प्रूव ये करो कि ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर है वो सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी के। तो आइए स्टूडेंट प्रूफ जो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात स्टूडेंट हम लिखेंगे कि वी नो दैट हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होता है ए का, और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होता है बी का। ठीक है, कैसे, ये कॉमन सेंस की बात है। देखो अगर हम यहां पे कोई भी दो सेट ले लें, फॉर एग्जांपल हम एक ए सेट लेते हैं, इसके अंदर एलिमेंट है जी 1, 2 और 3। फिर हम एक बी सेट लिख लेते हैं, इसके अंदर एलिमेंट है जी 2, 3 एंड 4। अब जरा इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ओनली 2 एंड 3। अब देखो ये जो ए इंटरसेक्शन बी आया है, ये ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट है ए का भी, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है बी का भी। ठीक है, तो इस तरह अगर आपके पास ए और बी कोई भी दो सेट हो तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। फिर सुनो, आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर ए जो है वो सबसेट हो बी का, अगर ए कोई भी एक सेट है जो कि बी का क्या है सबसेट है, तो फिर जो ए का क्लोजियर है वो भी सबसेट होगा बी के क्लोजियर के। तो यहां पे भी देखो ये लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है ए का, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोजियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ये भी सबसेट होगा क्लोजियर ऑफ ए के। इसी तरह स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे भी ए इंटरसेक्शन बी यानी क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये भी सबसेट होगा क्लोजर ऑफ बी का। अब ये तो हमने लिख लिया, अब यहां पे हम क्या करेंगे, हमें चाहिए इनका इंटरसेक्शन, तो हम क्या करेंगे इसकी लेफ्ट साइड का इंटरसेक्शन इसकी लेफ्ट साइड के साथ लेंगे और इसकी राइट साइड का जो इंटरसेक्शन है इसकी राइट साइड के साथ लेंगे। तो जब हम लिखेंगे तो सुनिए बनेगा ए क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इसकी लेफ्ट साइड भी यही आ रही है, क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी के। अब देखो ये दोनों सेट क्या है सेम है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी के। तो देखो स्टूडेंट हमने यही प्रूव करना था कि क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी के। तो ये यहां पे हमारे पास इसका जो थ्योरम है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट इन जनरल में जो हमारे पास ये इक्वालिटी जो है इसमें होल्ड नहीं करती कि क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी इसके इक्वल नहीं होता है, ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती जनरल में। कैसे होल्ड नहीं करती इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। हम यहां पे एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिख लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ही मैं इस थ्योरम आपको दे देता हूं। यहां पे आप एक एक्स सेट लिख लो ए बी, और इसके ऊपर जो है टोपोलॉजी डिफाइन करवा लो, हम सपोज कर लेते हैं वो इंडिस्क्रीट है यानी कि एम्प्टी सेट और एक्स है। अभी हमारे पास आ गई एक्स का कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस, हमें ए और बी कोई भी सबसेट चाहिए, हम
ए ले लेते हैं जी, एक एलिमेंट ए, और बी में हम एलिमेंट ले लेते हैं स्टूडेंट बी। ठीक है, हमें दो वैल्यू चाहिए। अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। अब यहां पे अगर हम ले इसका ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट क्या आता है हमारे पास इन दोनों में से? एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्लोजर क्या आ जाएगा? क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो भी क्या आएगा? एम्प्टी सेट। अब क्लोजर हम कैसे फाइंड करते हैं? एम्प्टी सेट के ऑल क्लोज जो सुपर सेट है उनका इंटरसेक्शन। तो देखो एम्प्टी सेट में से यहां पर क्या आ रहा है, एक क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा, और एक्स ये क्लोज। ठीक है, अगर इनका हम इंटरसेक्शन लें तो क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास आ गया एम्प्टी सेट। अब हमें चाहिए क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी चाहिए, तो हम यहां पे लिख लेते हैं। अब क्लोजर ऑफ ए, अब क्लोजर ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? एक्स। इतना भी चाहिए क्लोजर ऑफ बी, तो हम क्लोजर ऑफ बी फाइंड करें तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, हमें इंटरसेक्शन चाहिए। क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी वो भी क्या आ जाएगा? एक्स। अब देखो इसको मैं वन कह देते हैं, इसको कह देते हैं टू। तो यहां मैं लिखता हूं फ्रॉम वन एंड टू। तो देखो क्या ये दोनों इक्वल आए हैं? तो यहां ये ए क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू है क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी के। तो ये क्या, यहां से हमें ये प्रूव हो गया कि इन जनरल जो है इंटरसेक्शन में ये जो है इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। ठीक है, इसलिए उसने यहां पे कहा था कि अगर ए और बी जो है वो टू सबसेट हो तो पॉलिटिकल स्पेस के, तो प्रूव करो कि ए क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होगा क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी का। क्यों? क्योंकि इन जनरल इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, और ये मैंने आपको उसकी एग्जांपल दे दी।